आज हम एक सैंपल पेपर सोल्व करेंगे जो कि 12वीं कक्षा से संबंधित होगा और टर्म 1 का होगा। ये पेपर एक सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई के द्वारा ही भेजा गया है, तो उसी को हम आज सोल्व करने वाले हैं और वो भी डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक सैंपल पेपर है सीबीएसई के द्वारा भेजा हुआ। इसके अधिकतम अंक 40 है, यानी कि 40 अंकों का आपका टर्म 1 होने वाला है। इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट का मतलब डेढ़ घंटे में आपको ये पूरा पेपर सोल्व करना है। ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन सोचने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो आइए एक प्रैक्टिस के तौर पर इसको समझते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है खंड अ अपठित बोध का है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश भी देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ एक अपठित पद्यांश भी होगा जो कि 5 अंक का होगा। 5 अंक प्लस 10 अंक मिलकर 15 अंक का ये अपठित बोध है, यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलकर 15 अंक बनते हैं। इसको हम थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में। पहले हम बाकी प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी प्रश्न जो कि आपको नीचे देखने को मिलेंगे, अपठित गद्यांश पद्यांश को हम अभी छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन एक बार नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको अपठित गद्यांश पद्यांश के बाद पहले आपको ये अभिव्यक्ति और माध्यम देखने को मिलेंगी। अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे आपके वो 5 होंगे, 5 अंक के होंगे। 5 अंक के ये जरूर हैं, लेकिन ये टोटल आपको 6 देखने को मिलेंगे। 6 में से आपको टोटल 5 ही करने हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है। सबसे पहले तो आप खुद ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा सही है। इसके लिए आपको मैं 5 सेकंड दूंगा बस। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर भी जवाब दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? ऑप्शन 1 समाचार पत्र, ऑप्शन 2 यानी 2 रेडियो, ऑप्शन 3 टेलीविजन, ऑप्शन 4 इंटरनेट। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों टेलीविजन, यानी ऑप्शन 3। बच्चों क्यों? क्योंकि दृश्यों का महत्व इसी में ही है। रेडियो में नहीं है, समाचार पत्रों में भी नहीं है, इंटरनेट पर है लेकिन उतना नहीं। आप जितनी भी न्यूज पढ़ते हो इंटरनेट पर वो रीडिंग में होती है, यानी कि रिटन में होती है, आपको रीड करना होता है। तो ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगी तो, लेकिन टेलीविजन में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, यानी रीड करने के लिए नहीं मिलता बल्कि देखने के लिए मिलता, इसीलिए ये सही आएगा। अगला प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन 1, 3। 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 33 का, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? ऑप्शन 1 रेडियो, ऑप्शन 2 यानी 2 टेलीविजन, ऑप्शन 3 समाचार पत्र, ऑप्शन 3 इंटरनेट। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों इंटरनेट। इंटरनेट सबसे खर्चीला माध्यम है, ये बुक में आया हुआ है, अगर आपने वो पाठ पढ़ा है तो। पाठ पढ़ लेना, हर एक पाठ ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है। अगला प्रश्न है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन 1 फ्रीलांसर, ऑप्शन 2 पूर्णकालिक, ऑप्शन 3 यानी 3 अंशकालिक, ऑप्शन 3 यानी 4 अल्पकालिक। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2 पूर्णकालिक। पूर्णकालिक वो होता है जो पूरे समय के लिए बना रहता है और उसके लिए उसको वेतन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन 1 फीचर, ऑप्शन 2 संपादक के नाम पत्र, ऑप्शन 3 यानी 3 संपादकीय, ऑप्शन 3 स्तंभ लेखन। मैं ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 की बजाय ABCD बोल रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना, ये 1, 2, 3, 4 ही है। चलिए आप जो भी कमेंट कीजिएगा, 1, 2, 3 कर सकते हो, ABCD भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों संपादकीय। संपादकीय ही होता है जो समाचार पत्र की मुख्य आवाज माना जाता है, क्योंकि वो संपादक ही लिखता है और संपादक की आवाज को ही अखबार की आवाज माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 36 का। 36 का है, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? फिर से बोल रहा हूं, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन 1 काव्यात्मक, ऑप्शन 2 कथात्मक, ऑप्शन 3 वक्तव्यात्मक, ऑप्शन 3 यानी 4 रूपात्मक। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2 कथात्मक। क्यों?
क्योंकि फीचर लेखन शैली को कथात्मक शैली में ही लिखा जाता है ज्यादातर, इसीलिए काफी निकट है इसके कथात्मक शैली। ये तो थे आपके 6 प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम में से, जिनमें से आपको 5 ही करने होंगे। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है, दरअसल आपके सिलेबस में जितनी भी कविताएं हैं उनमें से एक पैराग्राफ आ जाएगा उन कविताओं में से, और उन पैराग्राफ के नीचे उस पैराग्राफ के नीचे कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और वो कितने होंगे वो प्रश्न आपको अभी दिखा देता हूं। लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, सिलेबस ही नहीं पता कि हमारा फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दूंगा। मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी बताया है कि कितने चैप्टर कट चुके हैं। देखो ये पैराग्राफ यहां पर खत्म हो जाता है जिसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यानी 5 नंबर के हैं, 5 अंक के 5 प्रश्न, एक एक नंबर के एमसीक्यू आएंगे। अब आप कविता को पढ़कर ही समझ गए होंगे कि यह सहर्ष स्वीकारा है, कविता से आया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। अब इन पंक्तियों का आशय बताना है, आशय सुनिए, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन एक, कवि के मन में अपलावनकारी प्यार है, ऑप्शन एक था। ऑप्शन बी यानी 2, कवि रिश्ते की नींव की सिंचाई कर रहे हैं। ऑप्शन 3, कवि संदेश दे रहे हैं रिश्ते नातों की देखभाल करनी पड़ती है। ऑप्शन 4, रिश्ते नातों की परिभाषा बहुत कठिन तर है। 5 सेकंड आपको इसके लिए मिलेंगे, वीडियो को रोककर भी आप जवाब दे सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, ऑप्शन 1, कवि के मन में आपलावनकारी प्यार है। आपलावनकारी का मतलब बहता हुआ प्यार, जो उसके साथ बना हुआ है, ये इसका उत्तर आएगा, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है। अपरिभाषित सत्ता का मतलब क्या है, दरअसल मैंने जब ये कविता पढ़ाई थी आपने देखी होगी सुनी होगी, उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया था कि यहां जिसको भी कवि संबोधित कर रहा है उसका कुछ भी नहीं पता। ये हो सकता है वो ईश्वर को कह रहा हो, और हो सकता वो अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा हो, तो ये 2 तरीके से बन सकती है, तो दोनों ही तरीकों से बन सकती है। इसी वजह से ये प्रश्न भी इसी तरीके से बना है। देखो, कवि अप्रभाषित, अप्रभाषित का मतलब जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, यानी पता नहीं है कि किसको संबोधित कर रहा है, ऐसी सत्ता को से वो कैसे प्रभावित है। ऑप्शन 1, आंतरिक रूप से। ऑप्शन बी यानी 2, बाहरी रूप से। ऑप्शन सी, आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों तरीके से। ऑप्शन डी यानी 4, दिल दिमाग दोनों की गहराइयों से। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, ऑप्शन 3, आंतरिक तथा बाहरी रूप से, यानी आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से दोनों तरीके से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। किससे? अपरिभाषित सत्ता से, वो चाहे आप प्रिया कहो वो चाहे ईश्वर कहो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कवि अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित हैं उसे भूलना क्यों चाहते हैं। ध्यान से सुनना, ऑप्शन ध्यान से सुनो। ऑप्शन 1, कवि कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं। ऑप्शन बी, कवि अबोध प्रेयसी से प्रेम करने की भूल का दंड चाहते हैं। ऑप्शन 3, सुनो, कवि प्यार की नश्वरता से परिचित हो गए हैं इसीलिए उसे भूलना चाहते हैं। ऑप्शन 4, कवि बाद में विरहाग्नि से बचने के लिए उसे अभी भूलना चाहते हैं। कविता पढ़ी होगी तो आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं आया होगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, कवि कल्पना से निकलकर यथार्थ में आना चाहते हैं। यथार्थ यानी सच्चाई में जीना चाहते हैं। ये तो सब मोह माया है, आज नहीं तो कल छूट जाएंगी, इसीलिए वो यहां से निकलना चाहते हैं। यही ऑप्शन सही आएगा। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया, इसके प्रयोग से पंक्ति में क्या बढ़ जाता है, क्या बढ़ने की बात की गई है इस प्रश्न में। ध्यान से सुनो ऑप्शन, ऑप्शन 1, विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन बी, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन 3, अंधकार में रहना संभव हो सकेगा। ऑप्शन डी, कवि को दंड मिल सकेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। अंधेरा ज्यादा करने के लिए कवि ऐसा कह रहा है, ज्यादा बढ़ाने के लिए ही उसने दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या का सहारा लिया है, यानी उससे अंधेरा ज्यादा दिखाना चाहता था। अब ये अंधेरा ज्यादा का मतलब, अंधेरा प्रतीक है दुख का, दुख ज्यादा बढ़ाना चाहता था, इसके लिए ही उसने ऐसा कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 41 का, यानी 41 का। देखो क्या प्रश्न है, परिवेष्टित आच्छादित होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है। फिर से बोल रहा हूं, परिवेष्टित होता है चारों ओर से, आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ, चारों ओर से ढका होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन 1, आच्छादित होने के बावजूद प्रभा किरणें बीच बीच में आ रही हैं, प्रभा यानी रोशनी। ऑप्शन बी,
कवि जिससे प्रभावित है वह दीप्तिमान है, यानी चमकदार है, चमकती रहती है। ऑप्शन तीन, दक्षिणी ध्रुव में हिम आच्छादन, आच्छादन यानी ढका हुआ, के बावजूद 6 मास उजाला होता है। ऑप्शन चार, कवि को प्रावर्तित प्रकाश के कारण उजाले का भ्रम हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन दो, कवि जिससे प्रभावित है वह दीप्तिमान है, यानी वो चमकदार है या चमक रही है, जिसकी वजह से उसका उजाला मुझे मिलता ही रहेगा, यानी उसकी प्रेरणा मुझे मिलती ही रहेगी। अब आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही 5 प्रश्न और, जो कि पठित गद्यांश पर आधारित होंगे, यानी कि जो आपके सिलेबस में पाठ है आरोह के जो 3 पाठ निर्धारित किए गए हैं, वो भी आपके टर्म 1 में, उन्हीं में से ही एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसके नीचे कुछ 5 ही प्रश्न होंगे, उन्हीं 5 प्रश्नों को अब हम देखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक पैराग्राफ देख लो, लेकिन मैंने इस बार साफ इनकार कर दिया, ये वाला पैराग्राफ आया हुआ है काले मेघा पानी दे, इससे रिलेटेड है। अब आगे देखो, आगे का मतलब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको पहले समझ लेते हैं या देख लेते हैं, देखते हैं क्या कितने आपके ठीक होते हैं, जवाब देते रहना कमेंट बॉक्स में। लेखक ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया होगा? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन एक, पानी बर्बाद नहीं करने के कारण। ऑप्शन बी, मेंढक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण। पानी फेंकने को बर्बादी मानने के कारण। ऑप्शन डी, यानी 4, लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 4, लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। उनको इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं था, यानी वो उसे बिल्कुल अंधविश्वास कहता था। बच्चों, कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ देखो, अपने डगमगाते पांव पर भी जीजी बाल्टी भरकर पानी क्यों फेंक रही थी? अपने डगमगाते पांव पर भी जीजी बाल्टी भरकर पानी क्यों फेंक रही थी? ऑप्शन एक, क्योंकि लेखक पानी फेंकने से इनकार कर दिया था। लेखक नहीं होगा, लेखक ने पानी फेंकने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी, पानी फेंकना आवश्यक मानने के कारण। ऑप्शन तीन, लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण। ऑप्शन 4, अंधविश्वास में विश्वास के कारण। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा, लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण। एक तो ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी ये लोक मान्यता में विश्वास नहीं करता था, लेखक जीजी करती थी, तो यही उत्तर आएगा। अब आपको लग रहा हो अंधविश्वास में विश्वास भी तो था, दरअसल अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं अंधविश्वास करता हूं, तो अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं करता, विश्वास किया जा सकता है डायरेक्टली, अंधविश्वास का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। चलिए 44 का है, लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था? ऑप्शन ए, सुनो, जीजी द्वारा पानी फेंकने के कारण। ऑप्शन बी, लेखक की बात नहीं मानने के कारण। ऑप्शन सी, लेखक और जीजी में वैचारिक अंतर होने के कारण। ऑप्शन डी, जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, ऑप्शन 4, जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। जीजी बहुत अंधविश्वासी थी, ऐसा लेखक का मानना है, मानना था, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती थी या बीच बीच में वो गुस्सा भी हो जाता था। देखो, जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा क्यों नहीं रह सकी? ये ऑप्शन, पहले ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन एक, लेखक की बात समझ जाने से, लेखक को समझाना चाहती थी। ऑप्शन तीन, लेखक से प्रेम करने के कारण। ऑप्शन डी, लेखक की ना समझी के कारण। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, ऑप्शन 3, लेखक से प्रेम करने के कारण, वो इतना प्रेम करती थी कि उससे वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती थी। पानी का अर्घ्य चढ़ाने से आप क्या समझते हैं? अर्घ्य चढ़ाना क्या होता है, किस क्या समझते हो आप इससे? ऑप्शन एक, पानी का दान देना। ऑप्शन बी, पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना। ऑप्शन सी, पानी का प्रसाद चढ़ाना। ऑप्शन डी, यानी 4, पानी का महत्व बताना। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, ऑप्शन एक, पानी का दान देना। बच्चों, ये ऐसा क्यों है सही उत्तर? क्योंकि इंद्र भगवान को समर्पित करना ये नहीं था कहीं पर भी पाठ में, लेकिन पानी का दान करना पाठ में ही आया हुआ है। एक पाठ में कहीं एक लाइन आई थी कि अगर हम पानी का दान ही नहीं करेंगे तो कैसे हमारा गांव कस्बा पानी की फसलों से भरा रहेगा, ऐसा एक जीजी समझाती हुई कहती है, वहां से ये प्रश्न बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो थे कुछ कविताओं के पर प्रश्न और कुछ पाठों से प्रश्न, यानी कि पैराग्राफ आया हुआ था उसके नीचे प्रश्न थे, दोनों तरीके से हमने कर लिए। लेकिन अब जो 5 प्रश्न आप
देखेंगे या आएंगे आगे, वो आएंगे मिक्स, यानी कविताओं के भी और पाठों के भी, दोनों के मिक्स होकर। देखो जैसे पहला प्रश्न है, बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया? ऑप्शन एक, सब कुछ खरीदने के लालच के कारण। ऑप्शन बी, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण। ऑप्शन सी, बाजार के गिरफ्त में आने के कारण। और ऑप्शन डी के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे, अतृप्त रहने के कारण। ये नीचे लिखा हुआ है यहां पर। आपके पांच सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन दो, जो सब, जो ऊपर आया हुआ है, देखो, मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण। ये सही उत्तर है, क्योंकि मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लिया बाजार ने, क्या कब और कैसे बेचना है ये बाजार अच्छी तरीके से जानता है, बल्कि बाजार ही क्यों, बाजार के लोग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है? एक गीत कविता के आधार पर लिखना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन एक, उत्साह के अभाव में। ऑप्शन बी, प्रेरणा के अभाव में। ऑप्शन सी, लक्ष्य के अभाव में। ऑप्शन चार, शक्ति के अभाव में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा प्रेरणा के अभाव में, क्योंकि इंसान को अगर प्रेरणा मिलती रही, यानी मोटिवेशन मिलती रहती है, किसी से प्रेम मिलता रहता है, तो वह हमेशा जीवित रहता है, जीवित जैसा रहता है, वरना तो वो जिंदा लाश के बराबर हो जाता है। जैसे कवि की स्थिति थी कि वो मंजिल पर कोई भी उसका इंतजार करने वाला, प्रेरणा देने वाला, चाहने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उसके पांव शिथिल हो जाते हैं, वहीं से यह प्रश्न बना है। देखो आगे, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप के सामने, सॉरी, को सामने रखा है? यानी बताना आपको यह है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो कवि ने सामने वाले की जो भाव दिखाए हैं, यानी सामने वाला कौन, दूरदर्शन कर्मी, उनकी भावनाओं के बारे में आपको स्पष्ट करना है कि वो कैसी भावना रखते हैं। देखिए, ऑप्शन एक, संवेदनशील। ऑप्शन बी, मानवीय। ऑप्शन सी, असंवेदनशील। ऑप्शन डी, अमानवीय। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये पाठ में भी आया, सॉरी, कविता में भी आया हुआ है और प्रश्न उत्तरों में भी आया हुआ है, अगर प्रश्न उत्तर भी ध्यान से पढ़े थे तो। असंवेदनशील इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती? कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती? ऑप्शन एक, सीमित संभावनाओं के कारण। ऑप्शन बी, सीमित शक्ति के कारण। ऑप्शन सी, कल्पना शक्ति के अभाव के कारण। ऑप्शन डी, अपनी सीमित सीमाओं के कारण। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन चार, अपनी सीमित सीमाओं के कारण। वो सीमा है उसकी, एक सीमित सीमा है जिससे आगे वो उड़ नहीं सकती, यही इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है 51 का। देखो, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन ए कह लो, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, एक ऑप्शन। ऑप्शन बी, वे सही न्याय नहीं कर पाती। ऑप्शन सी, वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। ऑप्शन डी, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है पंचायतें गूंगी हो चुकी हैं, लाचार हैं और अयोग्य हैं, जिसकी वजह से ये उनकी अब इमेज बन गई है, अगर इस तरीके का वो फैसला करते हैं तो, किस तरीके का, जो पाठ में, यानी भक्तिन पाठ में आया हुआ है। चलिए, आसान सा था, ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आपको, फिर भी एक एंड में जरूर बताना आपके टोटल कितने नंबर आए, जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आप कमेंट में कमेंट करते जा रहे हो कितने सही हुए कितने गलत हुए, ये आप जानते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन एक, दर्शकों के सामने अधिक से अधिक सही तथ्यों को उचित विश्लेषण करने से, एक हो गया। ऑप्शन बी, अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाकर उसकी टीआरपी बढ़ाने से। ऑप्शन सी, दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। ऑप्शन डी, ऐसे तथ्यों को उजागर करने से जो जनता से छिपाए गए हैं या जिनसे वो अनजान हैं। चार ऑप्शन हैं लेकिन थोड़े बड़े हैं, तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो अगर सोचना है तो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन तीन, क्यों, दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। दर्शकों को उत्तेजना लानी है, वो कह रहे थे ना बार बार, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी उनको उत्साहित करना है, इतना उत्साहित करना है कि वो उनके पीड़ा को, यानी अपाहिज की पीड़ा को समझकर रोने लग जाएं या उत्साहित हो जाएं, हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा। उनका उद्देश्य यही था, वही इनका सफलता का आधार था। चलिए बच्चों, ये तो थे मिक्स, यानी पाठों से भी और कविताओं से, दोनों से मिक्स प्रश्न आए हुए थे
5 वो हमने कर लिए। अब अंत में आपको पढ़ने को मिलेगा कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित विकल्पों के चयन कीजिए, यानी ये जो 5 प्रश्न है ये आपको मिलेंगे देखने को वितान के। वितान मतलब जो आपके 4 टोटल पार्ट है लेकिन टर्म 1 में 2 ही डिसाइडेड है, वो भी शुरू के, तो उन्हीं में से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है। कहानीकार का क्या तात्पर्य है, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन 1, लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है। ऑप्शन 2, लेखक को मृत्यु का कारण पता है। ऑप्शन 3, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। ऑप्शन 3, लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आसान सा प्रश्न है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, यानी जानता नहीं है क्या हुआ होगा। चलो अगला प्रश्न, किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी किशन दा से नाराज थी। ऑप्शन बी, यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था। ऑप्शन सी, यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे। ऑप्शन डी, यशोधर बाबू के प्रस्ताव को किशन दा ने अस्वीकार कर दिया था। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, यशोधर बाबू के घर में किशन दा के लिए स्थान का अभाव था। अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये इसका उत्तर तो कहीं ना कहीं यहां ये वाला दिया गया है। तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन बच्चों मेरे अकॉर्डिंग और बल्कि किताब के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, पाठ के अकॉर्डिंग ये दूसरा ऑप्शन ठीक आएगा। ठीक है, दरअसल बच्चों पाठ में ये दोनों ही तरीके से लिखा गया है, यानी ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ये लगता है कि ये ज्यादा ठीक है बजाय नीचे वाले के, यानी तीसरे ऑप्शन के। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि पाठ में डायरेक्ट एक लाइन आई है कि उनके घर में स्थान का अभाव था, 2 कमरों में 3 परिवार रहा करते थे, जिसकी वजह से वो किशनदा भी प्रस्ताव रख नहीं पाए किशनदा के आगे कि हमारे घर में रह लो, तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, उचित आएगा। हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, मुझे नहीं पता, जो भी रीजन रहा हो, मुझे ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा। आगे देखते हैं, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन 1, अकेलापन डरावना है। ऑप्शन 2, अकेलापन उपयोगी है। ऑप्शन 3, अकेलापन अनावश्यक है। ऑप्शन 4, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। आसान सा 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2, अकेलापन उपयोगी है। ऐसा लेखक सोचता है कि अब मैं अकेला जितना रहूं उतनी ही नई नई कविताएं बनाई जा सकती हैं, जोर जोर से गाया जा सकता है, थुई थुई करके नाचा जा सकता है, इसीलिए यह प्रश्न वहां से बना। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्यों? क्योंकि लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था। ऑप्शन 2, दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। ऑप्शन 3, लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। ऑप्शन 4, लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे पढ़ाई करे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों, दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। अगर आपको ये तीसरा ऑप्शन लग रहा हो, ये गलत है बच्चों, पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक नहीं था उसके लिए, बस पढ़ना चाहता था वो, अब सफल ही होना है ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मारा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ पाठ में। ठीक है, आवश्यक नहीं था इसलिए गलत है आपको ये लग रहा हो तो, बाकी ये तो आपको स्पष्ट रूप से गलत ही लग रहा होगा, लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा सही लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ये एक पाठ में ही एक लाइन आई हुई है तो वहां से ये प्रश्न बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था। ध्यान से सुनना, ऑप्शन 1, किशनदा उन्हें भड़काते थे। ऑप्शन 2, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी। ऑप्शन 3, पीढ़ी के अंतराल के कारण। ऑप्शन 4, वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। आसान सा है शायद, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है, वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। स्वीकार तो कर लेते थे, उन्हें अच्छा तो लगता था नया, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता था उन्हें, या यूं कह सकते हो कि आसानी से उन्हें स्वीकार नहीं हो पाता था, वो उसे थोड़ा समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। आपको अगर ये लग रहा हो कि पीढ़ी के अंतराल के कारण, पीढ़ी के अंतराल
तो और लोगों में भी होता है, लेकिन यशोधर बाबू पर ही ये काम क्यों किया? क्योंकि वे परिवर्तन को आसानी से सहजता से स्वीकार नहीं करते थे। चलिए अगला प्रश्न, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? उस प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, स्वभाव होता है इसका अर्थ। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन एक ज्ञानपूर्णता, ऑप्शन दो हठधर्मिता, ऑप्शन तीन कुटिलता, ऑप्शन चार संघर्षमयता। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा चौथा, संघर्षमयता। जूझ का अर्थ ही संघर्ष है, तो पूरे पाठ में संघर्ष ही कर रहा है। कुटिलता तो बिल्कुल भी नहीं, हट मतलब जिद्दीपन भी नहीं है उसके, ज्ञानपूर्णता के लिए भी नहीं लिखा गया, ये एक सिंपल सा पाठ का अर्थ ही संघर्ष है, तो संघर्षमयता इसका सही उत्तर आएगा। बच्चों हमने आज कुल मिलाकर 28 प्रश्न किए हैं एक एक नंबर के, तो आपके कितने ठीक हुए 28 में से एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों इसके अलावा अपठित गद्यांश पद्यांश जो अभी हमने पढ़े नहीं है उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्या हमें उसके लिए अलग वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें हम संभव नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा, पैराग्राफ को भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो अगर बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे आप, तो आपको आपको एक नई वीडियो, अलग से वीडियो उस पर देखने को मिल जाएगी। और यही सैंपल पेपर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।